तो शैला पूछती है, डॉक्टर तो एक वर्ष से कम आयु के शिशुओं जिन्हें गाय का दूध पिलाया जाता है उन बच्चों में क्या होता है? तो डॉक्टर कहते हैं, एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गाय का दूध पिलाने से पाचन तंत्र और श्वसन सहित एलर्जी हो सकता है, क्योंकि गाय के दूध का अधिक प्रोटीन को सहन नहीं कर सकते हैं। एलर्जी एक या एक से अधिक गाय के दूध के प्रोटीन का परिणाम है, जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा प्रतिकूल प्रतिक्रिया को ट्रिगर यानी शुरू करता है। बच्चों में दूध एलर्जी के लक्षण भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। कई अंग प्रणालियों जैसे कि त्वचा, पाचन या श्वसन तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संभवतः त्वचा पर दाने, एक्जिमा, उल्टी, दस्त, शूल, गड़गड़ाहट या अत्यधिक रोना, यह सब हो सकता है। गाय के दूध में प्रोटीन और खनिजों की उच्च सांद्रता होती है, जो नवजात शिशु की अपरिपक्व किडनी को तनाव दे सकती है और गर्मी के तनाव, बुखार या दस्त के समय गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। गाय के दूध में उचित मात्रा में आयरन, विटामिन सी और अन्य पोषक तत्वों की कमी होती है, जो शिशुओं को चाहिए। यह कुछ बच्चों में लोहे की कमी से होने वाले एनीमिया का कारण भी हो सकता है, क्योंकि गाय के दूध के प्रोटीन से पेट और आंत की परत में जलन हो सकती है, जिससे मल में खून दिख सकता है। आयरन की कमी से एनीमिया नवजात शिशुओं में गाय के दूध के सेवन से जुड़ी सबसे आम और गंभीर समस्याओं में से एक है। तो शैला पूछती है, डॉक्टर तो इसका विकल्प क्या है, यानी अल्टरनेटिव क्या है? तो डॉक्टर कहते हैं, एक वर्ष तक बच्चे को स्तनपान करना सबसे अच्छा है, लेकिन सभी माताएं शारीरिक रूप से स्तनपान करने में सक्षम नहीं हो सकती है या विभिन्न कारणों से स्तनपान नहीं कर पाते हैं। ऐसे मामलों में फॉर्मूला सबसे अच्छा विकल्प है। फॉर्मूला दूध में गाय के दूध की तुलना में अधिक आयरन और विटामिन होता है। फॉर्मूला स्तन दूध के पोषणा की नकल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्तन दूध की तुलना में सूत्र समान मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। बेशक शिशु फॉर्मूला और मानव स्तन दूध के बीच मुख्य अंतर शिशु फॉर्मूला में जीवित एंटीबॉडीज की कमी होता है। फॉर्मूला दूध में न केवल विटामिन और खनिजों का स्तर शिशुओं के लिए उपयुक्त है, बल्कि वसा, प्रोटीन और शक्कर की मात्रा और प्रकार भी उपयुक्त है। उदाहरण के लिए, प्रति 100 ग्राम स्तन के दूध में 1 ग्राम, शिशु फॉर्मूला में 2 ग्राम और गाय के दूध में 3 ग्राम प्रोटीन होता है। गाय के दूध में प्रोटीन की अधिक मात्रा शिशु के विकासशील किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। पाचन शक्ति बढ़ाने और प्रोटीन की मात्रा को कम करके एक प्रकार से फॉर्मूला प्रोटीन स्तन दूध प्रोटीन के समानता करती है। स्वस्थ मस्तिष्क के विकास के लिए शिशुओं को लिनोलिक एसिड और अन्य आवश्यक फैटी एसिड की आवश्यकता होती है। गाय के दूध में लिनोलिक एसिड कुछ भी नहीं होता है। आवश्यक फैटी एसिड और बेहतर पाचन क्षमता के इष्टतम स्तर प्रदान करने के लिए शिशु फॉर्मूला में वेजिटेबल तेल को मिलाया जाता है। अंत में जिन शिशुओं को स्तन का दूध नहीं मिलता है, उन्हें अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पोषण के एक वैकल्पिक रूप की आवश्यकता होती है। उपरोक्त सभी कारणों से गाय के दूध की तुलना में शिशु फॉर्मूला एक बेहतर विकल्प है।
शैला यह सब सुनकर अपने घर चले जाती है और वह अपने बच्चे को फॉर्मूला दूध पिलाने की सोचती है।